जी अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज सेकेंड जनरेशन रियल इस्टेट इन्फ्लुएंसर असद अली एंड यू आर वाचिंग पाकिस्तान्स लीडिंग रियल इस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर .pk। सो टुडे आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज वी हैव गॉट द मोस्ट सिंटिलेटिंग, द मोस्ट एस्टोनिशिंग, द मोस्ट अनकन्वेंशनल, द मोस्ट अनऑर्थोडॉक्स वन कनाल डिजाइनर हाउस जो कि टिपिकल डब्बा घरों से काफी ज्यादा डिफरेंट है और हटके है। So this design has been inspired, या कह लें कि इसमें चारकोल टच दिया गया है क्योंकि इसमें आपको मैट फिनिश देखने को मिलेगी, ब्लैक वाइट और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ थ्रू आउट द हाउस खेला गया है। एलिवेशन की अगर हम गेम देखें तो ग्रे कलर में हमारे पास यहाँ पे फेयर फेस दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट स्टोन टाइल्स जो कि मैट फिनिश के अंदर है और उस पर वॉर्निश करके थोड़ा सा ग्लॉसी टच दिया गया है। इसके साथ हमारे पास टॉप पे एक अदद कॉलम दिया है एट एन एंगुलर शेप जो कि टिल्ट है थोड़ा सा, जो कि इस घर के फ्रंट एलिवेशन के पूरे एक्सपीरियंस को दूसरे लेवल पे लेके जा रहा है। मेन डोर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल लाइनिंग्स जो कि इस घर के फ्रंट फेसिंग का मेन थीम है, उसी तरह का यहाँ पे गेट दिया गया है जो कि ब्लैक और ब्राउन कलर के साथ है। वी हैव गॉट मेनी स्पॉटलाइट्स इन द फ्रंट एलिवेशन। फिर अभी हम यहाँ से जाएंगे बैक साइड पे गैराज के, जो कि बड़ा जबरदस्त किस्म का प्यारा व्यू है। जिस तरह मैंने आपको बताया हमारे पास दो गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है, छोटा सा एक हमारे पास यहाँ पे लॉन दिया गया है जो कि बड़े मज़े के लग रहे हैं क्योंकि हमारे पास पिक्चर विंडोज़ हैं बैक साइड पे इसके, और जो इसके आर्किटेक्चरल प्रोफाइल है एजी और कॉर्नर्स वाली, वो इसको एक अपना एक यूनिक एक्सपीरियंस जो है वो प्रोवाइड कर रही है। और ये साइड मुझे इस घर में बड़ी ज़बरदस्त लगी है बैठने के लिए शाम के टाइम। सो दिस इज़ द एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द हाउस, और जैसे ही आप अंदर आएँ तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक अदद लॉन गिवन है, राइट साइड पे हमारे पास जो है वो टू कार्स की पार्किंग स्पेस है, मैट फिनिश में टाइल्स हैं, स्टेप एंट्रेंस पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसके साथ जो है वो ऊपर एक अदद प्राइवेट टेरेस है जो आगे चल के मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगा जो कि फर्स्ट फ्लोर पर वाकया है। दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट, अटेंशन टू डिटेल, गौर से देखनी है। राइट साइड पर हमारे पास जो है वो यहाँ पर zigzag फ्रेम्ड पिलर्स दिए गए हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास स्टोन टाइल्स हैं। कमिंग इनसाइड द हाउस वी हैव गॉट दिस पिविट सॉलिड डोर, अ पिविट डोर देसी जुबान में बात करें तो वो दरवाज़ा जेड़ा अंदर बाहर भी खुल जाता है। सो कमिंग इनसाइड द हाउस स्टोन टाइल्स अगेन मैट फिनिश में है लेकिन इसके ऊपर उन्होंने वार्निश की है ताकि उसको हल्का सा ग्लॉसी टच दिया जाए। हमारे पास यहाँ पे पिक्चर विंडो है जो कि इस पूरे एंट्रेंस पॉइंट में एक मैजिक, एक स्पार्क क्रिएट कर रही है। सो अगर यहाँ से आप लोग देखें, सो वी हैव गॉट दिस वुडन ब्रिज, आयरन ब्रिज भी देखा हुआ हमने इससे पहले हमने ग्लास ब्रिज भी देखे लेकिन वुडन ब्रिज मैंने फर्स्ट टाइम देखा, आप लोगों ने कहीं देखा हो तो बताइएगा। सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर से टूर स्टार्ट करेंगे। दिस इज द ड्राइंग रूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। हमारे पास ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पर विंडो दी गई है जो कि आपको इनफाइनाइट व्यू भी दे रही है और सनलाइट भी जो है वो आपकी पेनिट्रेट कर रही है, और आप ऐसी विंडो हो तो हैशटैग सनकिस्ट का इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी लगा सकते हैं। हमारे पास सामने फायरप्लेस दी गई है, इलेक्ट्रॉनिक फायरप्लेस है। मैंने आपको बताया कि वाइट, ब्लैक और ग्रे कलर के कॉम्बिनेशन के साथ इस पूरे घर में खेला गया है। वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर हमारे पास यहाँ पे टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है। इसके साथ हमारे पास स्टेयरकेस है जो कि वुडन लॉग्स के साथ बना हुआ है। नीचे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टोन्स हैं वाइट कलर्ड और उसके साथ प्लांटेशन है, और एक पूरा जो है वो माहौल यहाँ पे बनाया गया। और स्पेशली ये जो आपको लाइट्स देखने को मिल रही हैं, ये यहाँ का पूरा एक माहौल ना चुक के रख रही हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ द हाउस, जहाँ पे आपको राइट साइड पे सबसे पहले इनफॉर्मल सिटिंग एरिया देखने को मिलेगा, फिर हम बेडरूम्स में जाएंगे और किचन में जाएंगे। इसको अगर आप देखें तो हमारे पास वुडन फ्लोरिंग दी गई है, अगेन बड़ी ज़बरदस्त किस्म की विंडोज़ हमारे पास यहाँ पर दी गई हैं, ऊपर एक अदर शैंडलर है, नीट एंड क्लीन और सिंपल किस्म का सीलिंग वर्क आपको इस घर में देखने को मिलेगा। राइट साइड पे मेरे फ्रंट पे आपको एक अदद पाउडर रूम देखने को नजर आ रहा है। कमिंग इनसाइड द हाउस बैक साइड पे आपको बेडरूम्स देखने को मिलेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारे पास एक अदद ओपन किचन है। ओपन किचन को टूर करें या बेडरूम्स को, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, तो ओपन किचन पे आ जाते हैं। तो ओपन किचन को अगर आप देखें तो हमारे पास सबसे पहले ये बता दूं, जितनी भी चीज़ें इस किचन में इस्तेमाल हुई हुई हैं कोई भी देसी नहीं है, सारी वलैती हैं यानी कि इम्पोर्टेड हैं। सो हर चीज़ की फिनिश अपना एक क्लासी टच दे रही है। मैट फिनिश में हमारे पास यहाँ पे कैबिनेट्स हैं, ठीक है, जो कि हाइड्रोलिक कंट्रोल्ड हैं, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बीच में उनके अंदर लाइट्स भी दी गई हैं। इसको हम बंद करते हैं।
हमारे पास क्रेयॉन का जो है वो काउंटर टॉप है, बैक साइड पे मैट फिनिश टाइल्स हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे पास स्विचेस वगैरह भी यहाँ पे दिए गए हैं कि आप अपने जो ख़वातीन की चीज़ें होती हैं लाइक जूसर ब्लेंडर वगैरह भी रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्विच नहीं होंगे तो वो चीज़ें इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल होता है। फिर इसके साथ हमारे पास ऊपर अगेन ग्लास डोर्स के साथ भी कैबिनेट्स दिए गए हैं। हमारे पास यहाँ पे माइक्रोवेव भी है, नीचे ओवन भी है, बैक साइड पर डर्टी किचन है, और वी हैव गॉट द सेपरेट स्पेस फ्रिज रखने के लिए। और उसके साथ अगेन काफ़ी सारी जो है वो हमारे पास प्रोविजंस दी गई हैं कि आप अपना क्रॉकरी वगैरह भी स्टोर कर सकें। सो वहाँ से वी विल गो टूवर्ड्स द बेडरूम्स। ग्राउंड फ्लोर पर हमारे पास सिर्फ दो बेडरूम्स हैं, ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर पर हमारे पास थ्री बेडरूम्स हैं विच मेक्स फाइव बेडरूम्स इन दिस हाउस। सो सबसे पहले हम लाउंज में आते हैं। अब लाउंज आप लोगों ने और से देखना है कि एक स्टेप में नीचे उतराऊँ, इट इज़ वन स्टेप डाउन फ्रॉम द होल हाउस एंड इसकी हाइट जो है वो थ्री स्टेप्स ज़्यादा है। यहाँ पे आए तो ये एक हॉल की लुक आपको प्रोवाइड कर रहा है क्योंकि ये एक हॉल है, बेसिकली लाउंज है, और ऊपर आपको जो है वो इससे विंडो भी देखने को मिल रही है। अगर आप यहाँ से देखें इसको, प्लीज़ इधर लेके आए और यहाँ से सामने से इनको दिखाएं कि हमारे पास जो है वो ऊपर का भी लुक आ रहा है फर्स्ट फ्लोर का, कि अगर आपके बच्चे शरारती हैं तो आप लोग देख भी सकते हैं कि भाई यहाँ से वो क्या कर रहे हैं। बैक साइड पे हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर शेप विंडो है। इस घर की वेंटिलेशन बहुत अच्छी है और ये घर बहुत ज़्यादा ब्राइटन अप है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मिरर्स जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं। सो अभी यहाँ से हम जाते हैं इनसाइड द बेडरूम्स। ग्राउंड फ्लोर पर दो बेडरूम्स हैं और मैट फिनिश में टाइल्स हैं, सिंपल एंड एलिगेंट सीलिंग वर्क है। कमिंग इन टू द वॉशरूम्स, हमारे पास जो है वो यहाँ पे अगेन कवर्स दी गई हैं जो कि बड़े मज़े के लुक प्रोवाइड कर रही हैं और मैट फिनिश के अंदर हैं। वैनिटीज़ आपको देखने को मिल रही हैं। फिर सो यहाँ से हमारे पास बैक साइड पर शॉवर्स की सेपरेट स्पेस है, वैनिटीज़ कमोड्स हमारे पास दिए गए हैं, इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट है, और ये टाइल ज़रा देखें इसकी एक तो फिनिशिंग चेक करें, मैट फिनिश्ड है, और इसका अटेंशन टू डिटेल देखें कि कितनी बारीकी जो है वो यहाँ पर दी गई है, और ऊपर से लेके नीचे तक एक ही फ्रेम में ये टाइल आ रही है, ऐसा नहीं है कि बीच में कट हुए हैं पीसेस, तो ये बहुत एक अच्छा और कोहेसिव लुक प्रोवाइड कर रही है। सो यहाँ से हम चलते हैं आगे, टूर करेंगे ग्राउंड फ्लोर का लास्ट बेडरूम। दिस इज़ द लास्ट बेडरूम ऑफ द ग्राउंड फ्लोर, उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ से जाएंगे। कमिंग इनसाइड दिस बेडरूम, बेडरूम आप लोगों ने देख लिया, इसके बाद वॉशरूम है। वॉशरूम में हमारे पास जो है वो एक स्लाइडिंग डोर गिवन है, यू कैन चेक दिस, स्लाइडिंग डोर, और इसके साथ हमारे पास मैट फिनिश में कबर्ड्स हैं। वॉशरूम में आ जाएं तो हमारे पास क्रेयॉन के काउंटर टॉप्स यहाँ पे यानी कि वैनिटीज दी गई हैं, बैक साइड लिट अप हमारे पास जो है वो मिरर यहाँ पे दिया गया है। डैनियल इंपोर्टेड कंपनी है जिसके हमारे पास यहाँ पे जो है वो वॉशरूम फिटिंग्स दिए गए हैं मेड इन इटली, और इसके साथ हमारे पास नीचे कमोड वगैरह और सारी जो टॉवल हैंगिंग के लिए स्पेस है और इसके साथ शॉवर्स वगैरह मौजूद हैं। सो हियर ऑनवर्ड्स वी विल गो टूवर्ड्स द first floor of the house, and so here is the way towards the first floor of the house. Jis tarah maine aapko bataya tha ki ground floor mein hamare paas two bedrooms hain, first floor pe we have got the three bedrooms, aur first floor ke hamare paas teen se char levels hain. Ek to first floor itself, phir uske baad uska terrace, phir uske baad uska rooftop. To abhi yahan se hum upar jate hain, to beside that aapko pata jab bhi main upstairs jata hu to saath aap logon ko jo hai wo price ke wale se batata hu, to 13.95 crore यानी कि 13,95,00,000 इस घर की जो है वो आस्किंग प्राइस है। हल्की इसे ज़ुबान में लड़खड़ाई है क्योंकि ऑब्वियसली इट इज़ अ बिग अमाउंट, लेकिन स्टिल जो घर में आपको फिनिशिंग देखने को मिल रही है, ए डबल प्लस क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन इस घर में आपको देखने को मिल रही है, तमाम चीज़ें ब्रांडेड हैं, कोई चीज़ देसी और लोकल इस घर में नहीं लगाएगी, हर चीज़ इम्पोर्टेड है। जिस तरह आप लोगों को मैंने बताया, दिस वॉज द वुडन ब्रिज जिसके ऊपर मैं अभी खड़ा हुआ हूँ इस वक्त, और इसके साथ राइट साइड पे जो है वो हमारे पास हैंगिंग लाइट्स हैं, शैंडलर भी कह सकते हैं इसको, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, और नीचे ग्राउंड फ्लोर की जिस तरह मैंने बताया कि लुक को इन्हेंस कर रहा है। अगेन हमारे पास यहाँ पे भी जो है वो ओपन स्पेस है, नीचे आपको दैट वाज द वे टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द हाउस। सो सबसे पहले हम मेरे बैक साइड पर टूर करेंगे ड्राइंग रूम का, अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट अ प्राइवेट बालकनी। प्राइवेट बालकनी एक न्यू कॉन्सेप्ट है लेकिन अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर मेरी बैक साइड पे हम लोग देखेंगे बेडरूम्स। सो अभी हम यहाँ से अंदर आते हैं, दिस इज़ द ड्राइंग रूम ऑफ द फर्स्ट फ्लोर, और हमारे पास जो है वो यहाँ पे अटैच वॉशरूम भी है, आप इसको चाहें तो एज अ बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं। सो वी हैव गॉट दिस स्लाइडिंग डोर, इसके अंदर अगर आप लोग आ जाएं यहाँ पे तो अगेन उसी तरह से हमारे पास वॉशरूम है, बैक
साइड लाइट हमारे पास मौजूद हैं ऑन द मिरर्स, क्रेयॉन हमारे पास यहाँ पे वैनिटी है, कमोड और मैट फिनिश के टाइल्स हैं। सो यहाँ से भी हम चलेंगे आगे और थोड़ा सा शूट करते करते अंधेरा हो चुका है, जिसकी वजह से मैं आपको जो हमारी की बालकनी है उस तरीके का लुक आपको भी नहीं आएगा, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। एक हमारे पास यहाँ पे राउंडेड शेप में स्पेस मौजूद है, रेक्टेंगुलर है ये, प्राइवेट क्यों है क्योंकि बैठने की जगह तो काफ़ी सारी है लेकिन चारों तरफ से ये कवर्ड है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल लाइनिंग्स देखने को मिल रही हैं और अगेन बैक साइड पे हमारे पास यहाँ पे नीचे छोटा सा जो है वो एक अदर टेरेस भी आपको देखने को नज़र आएगा, सॉरी लॉन देखने को मिलेगा। और अगेन वही करेक्टरिस्टिक एजी लुक, दिस हाउस इज़ गिविंग यू नो अ वेरी अग्रेसिव एंड एज लुक, क्योंकि तमाम कॉर्नर्स इसके जो है वो काफ़ी शार्प हैं स्पेशली इसके आर्किटेक्ट के। सो अभी यहाँ से हम चलते हैं। सो हेयर ऑनवर्ड्स अगेन वी हैव गॉट द किचन, जो कि आप लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिला था। दिस इज अ बेसिकली सिंगल यूनिट हाउस और एक ही फैमिली इसमें रहेगी, क्योंकि इस तरह का घर जो लेता है वो रेंट आउट वगैरह मेरे ख्याल से उसके जहन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। सो दिस इज द वे टूवर्ड्स द बेडरूम्स। अगेन हमारे पास यहाँ पे जो है वो टाइल्स देखने को मिल रही हैं आपको, जो कि स्टोन टाइल्स हैं, टेम्पर्ड ग्लास हमारे पास यहाँ पे दिया गया है, वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस। दिस इज द थर्ड बेडरूम, वही सीलिंग, उसी तरह के लाइट्स, हमारे पास जो है वो ऑटोमेटिक फैन है, अलॉन्ग विद दैट वी हैव गॉट द अटैच वॉशरूम, कबर्ड्स हैं हमारे पास और इनको भी देख लेते हैं हम। फोर डोर कबर्ड है, ग्लास डोर हमारे पास गिवन है, उसी तरह का वॉशरूम है, तो मैं इसको दोबारा डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करूँगा टू सेव द टाइम। यहाँ से चलते हैं हम आगे एंड वी विल गो टूवर्ड्स द लास्ट बेडरूम ऑफ द हाउस। उसी तरह का बेडरूम है जो कि आप लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा और वही वाली हमारे पास अगेन थ्रू आउट द हाउस मैट फिनिश में जो है वो। इस घर का मैंने बताया ना चारकोल नाम क्यों दिया था, कि मैट फिनिश पूरे घर में जो है वो आपको देखने को मिलेगा। अटैच वॉशरूम इसको दिखा दें। सो यहां से चलेंगे हम टूवर्ड्स द रूफ टॉप ऑफ द हाउस और राइट साइड पे भी जो है वो एक छोटा सा टेरिस हमारे पास दिया गया है, बालकनी तो बरादर में नहीं कहूंगा, छोटा सा टेरिस है जिसको आप डोर्स को स्लाइड करके यहाँ से बाहर भी जा सकते हैं। एंड दिस इज द वे टूवर्ड्स द फर्स्ट फ्लोर। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, काफी डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे स्पेस मौजूद है ये, और दिस स्पेस यू नो इन्होंने इसको यूटिलाइज की है, एक और लेवल पे लेके आए हैं इसको, क्योंकि मैंने आपको बताया था एक लेवल है हमारा फर्स्ट फ्लोर का, एक हमारा है टेरिस का, एंड दिस इज अनदर लेवल। हमारे पास यहाँ पे अगेन टेम्पर्ड ग्लास दिया गया है और जिसकी वजह से जो सनलाइट आपकी बैक साइड पे इनको दिखाएं, जो विंडोज से डायरेक्ट आएगी वो आपके थ्रू आउट द हाउस जो है वो पास करेगी, तो उसका बेनिफिट ये है कि जब आपके सनलाइट आएगी या आपकी हवा ताज़ी आएगी वो पूरे घर में जो है वो जाएगी, वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहेगी, जो कि अमूमन काफ़ी घरों में होता है। अगेन रेक्टेंगुलर हमारे पास विंडो है, काफ़ी बड़ा साइज है विंडो का। दिस इज़ द वे टूवर्ड्स द रूफ टॉप एंड यहाँ से हम ऊपर आते हैं। हमारे पास यहाँ पे जो है वो आर्टिस्टिक बॉक्सेस देखने को मिल रहे हैं, रेक्टेंगुलर शेप, और अगेन इसमें भी इसकी भी मैट फिनिश है हमारे पास से, एक कदर पूरे घर के थीम को मैच करने के लिए राउंड शेप में एक आर्ट दिया गया है। यहाँ से हम जाते हैं फर्स्ट फ्लोर। सो दिस वॉज द टूर ऑफ दिस हाउस एंड वी हैव गॉट दिस सीमेंटेड टैंकी वाटर टैंक एंड अलॉन्ग विद दैट दिस इज द ओपन टू स्काई प्लेस। सो आज की वीडियो करते हैं कंक्लूड इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर रहने वाले तमाम लोगों को अल्लाह पाक अपना घर और छत नसीबत फरमाए। दिस इज़ असद अली साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।